आयुष्मान भारत या जगातल्या सर्वात मोठ्या आरोग्य योजनेची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी आज अर्थसंकल्पात केली. त्याशिवाय जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्याकरता आणखी एक योजना जेटलींनी जाहीर केली आहे. पाहूयात त्याच संदर्भातला हा रिपोर्ट. मोदी सरकारचा आयुष्मान भवचा नारा. आयुष्मान भारतसाठी 1200 कोटी रुपयांची तरतूद. 10 कोटी कुटुंबांना 5 लाखांचं विमा संरक्षण. सरकार घेणार 40% लोकसंख्येच्या आरोग्याची काळजी. एकीकडे ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा उपलब्ध नसताना आणि शहरी भागात महागडे उपचार परवडत नसताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी आयुष्यमान भारतचा नारा दिलाय. देशातील सुमारे 50 कोटी लोकसंख्येला या आरोग्य योजनेचा लाभ मिळेल असा दावा त्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केलाय. वी आर नाव लॉन्चिंग अ फ्लॅगशिप नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम टू कव्हर 10 करोड पुअर अँड व्हल्नरेबल फॅमिलीज. This is approximately 50 crore beneficiaries. By providing them up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization. This will be the world's largest government-funded healthcare program. Adequate funds will be provided for smooth implementation of this program. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आरोग्यदायी घोषणेचं स्वागत केलंय. करीब करीब 45 से 50 करोड नागरिक इसके लाभार्थी बनेंगे, इसके दायरे में आएंगे. इन परिवारों को चिन्हित अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. सरकारी खर्चे पर शुरू की गई यह दुनिया की, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, सरकारी खर्च से शुरू की गई यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या निमित्तानं मोदी सरकारचं कौतुक केलंय. मोदी सरकारनं या निमित्तानं आणखी एक इतिहास घडवलाय. जगातील सर्वात मोठा आरोग्य उपक्रम सरकार राबवणार आहे असं ट्विट त्यांनी केलंय. याशिवाय इतरही आरोग्यविषयक योजनांची घोषणा अरुण जेटलींनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली आहे. देशभरात 1.5 लाख नव्या आरोग्य केंद्रांची उभारणी. क्षयरोग निर्मूलनाकरता 600 कोटी रुपयांची तरतूद. क्षयरोग्यांना दरमहा 500 रुपयांची मदत. 3 लोकसभा मतदारसंघांकरता 1 वैद्यकीय महाविद्यालय. 12 रुपये प्रीमियम भरून 2 लाख रुपयांचा अपघात विमा. अशा योजनांचा त्यात समावेश आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातूनही या घोषणेचं स्वागत होत असलं तरी डॉक्टरांचे ब्रेन डेड होऊ नये यासाठी दक्षता घेण्याची गरज असल्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिलाय. 24 मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले है जहां डॉक्टर्स बहुत शॉर्ट है इंडिया में. 1 डॉक्टर पर 1000 पेशेंट्स की नीड है, लेकिन हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं. अगर 24 कॉलेजेस हैं तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में 1 मेडिकल कॉलेज खुलेगा. ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये भी देखना होगा कि वापस डॉक्टर्स यहाँ से डिग्री लेके ड्रेन नहीं हो आउट ऑफ इंडिया. वो कंट्रोल कैसे रखेंगे अभी वो गवर्नमेंट को आगे सोचना है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड बजट. जो कॉमन मैन है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. एंड 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी से आप किसी भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में, ट्रस्ट हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरीज करा सकते हैं, ट्रीटमेंट पा सकते हैं. तो उस हिसाब से ये जो पॉलिसी है 5 लाख का डिसीजन, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है. जान है तो जहान है असं म्हणतात. त्यामुळेच की काय, देशातल्या गोरगरीब जनतेच्या पर्यायानं 2019 निवडणुकीतल्या मतदारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याकरता मोदी सरकार आता पुढे सरसावलंय. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.